अरे अरे ओ इधर उसको पास से दिखाओ यार। हे गाइस, इंडिया की आप कह सकते हो पहली फ्लफी फ्रेंच बुलडॉग। तो ड्रेक है ये ड्रेक है। हाँ हेलो, काटो तो नहीं, कभी पता लगे ड्रेक ने पप्पी ले ली मेरी। बी आई है या इम्पोर्ट है? ये तो बोट है। ये इम्पोर्ट है, ये भी चाइना से इम्पोर्ट है। ये भाई इनका चाइना वालों के साथ पक्का दोस्ती बहन। बहुत भारी है, कितना रेट होगा इसका? आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा खास और मजेदार होने वाला है, बिकॉज आज गाइस मैं आपको एक ऐसी ब्रीड दिखाने वाला हूँ जो अब तक इंडिया में बहुत कम है, मेरे ख्याल से है ही नहीं, सिर्फ हमारे दलविंदर पाजी के पास है, वो है फ्लफी फ्रेंच। तो फ्रेंच बुलडॉग के अंदर एक और वर्जन आ गया बेसिकली, जो कि लॉन्ग कोटेड फ्रेंच बुलडॉग्स आप उसको कह सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा, मैं खुद पहली बार देखूंगा। तो व्लॉग शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जो हमारा ड्रिल बिट है, ये आजकल ना बहुत ज्यादा यूरिन पास करता है घर में। ओए ड्रिल, सुसु कर रहेगा तू? ये अंदर घर में बहुत ज्यादा सुसु करता है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर इसने अभी सुसु कर दिया। ये एक तो घर में बहुत ज्यादा सुसु करने लग गया है, तो इसके लिए जो है मेरे पास एक बहुत अमेजिंग सॉल्यूशन है। ओके गाइस, तो मेरे पास एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है जो कि है पेट्स गेट बेस्ट का नो पूप स्प्रे। नो पूप स्प्रे से हमें बहुत इजीली क्लियर हो जाता है कि ये प्रोडक्ट स्पेशली बनाया गया है आपके डॉग के या आपके पपी को पोटी और सुसु यानी कि पी ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब कि अगर आपका डॉग जो है घर में कहीं भी सुसु करता है, जैसे हमारे वाले ने किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस जगह को पहले तो क्लीन करना है, उसके बाद जो है आपको ये लेना है प्रोडक्ट, और आपको जो है ये स्प्रे लेना है और उस जगह पर जाकर उसको स्प्रे कर देना है। तो जैसे ही आप एक दो बार ये चीज़ करेंगे रेगुलरिटी में, तो डॉग्स क्या करते हैं बेसिकली अपना जो है मार्किंग छोड़ते हैं सुसु के। उनको लगता है कि जहाँ पर वो मार्क कर रहे हैं वहाँ पर जो है उनकी टेरिटरी बन रही है, और वहाँ पर जाकर वो बार बार सुसु या फिर पूप कर सकते हैं। बट अगर आप जो है उसको क्लीन कर स्प्रे को यूज़ करेंगे, सो आई एम डैम श्योर ये जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और ये ना वेरी करता है डॉग टू डॉग, आपके डॉग की एज क्या है, आपके डॉग को आप पहले से कितना ट्रेंड है, डॉग आपका कितना हाइपर एक्टिव है। बट मैंने जो है जितना मैंने इसको ड्रिल पे यूज करके देखा ना अब तक घर में, मतलब घर में मेरे वाला कमरा तो फुल रहता था यार सुसु और पॉटी से, अब बहुत चीज़ों से फर्क पड़ा है। तो गाइज मैं आप सभी को ये रेकमेंड करूंगा, मेक श्योर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर लिंक दिया हुआ है जो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू चेक दिस आउट। मुझे तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लगा, तो अभी फिलहाल जो है मैं निकलता हूँ वीडियो के लिए। A few moments later. तो गाइज अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ दलविंदर पाजी के यहाँ, यहाँ पर मेरा आना जाना बना रहता है। बट आज तो मतलब इतना एक्साइटेड हूँ ना, मैं अभी आपको अंदर आके दिखाता हूँ कि किस चीज़ के लिए एक्साइटेड। ओ पाजी, अरे वाह, आते ही मेरे को सरप्राइज मिल गया। वाह, मैं इसको पकड़ सकता हूँ? अरे 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 ओ इधर उसको पास से दिखाओ यार, कितना ज़्यादा फीमेल है ये। फीमेल, कितनी ज्यादा प्यारी है। ओए ओए, क्या नाम है इसका? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, वाह। तो मैं इसको भी नीचे छोड़ता हूँ। अरे गाइस, इंडिया की आप कह सकते हो पहली फ्लफी फ्रेंच बुलडॉग। वाओ, बहुत क्यूट है। कितने टाइम की होगी बाजी? 15 मंथ की होगी जी, 15 मंथ की। 15th मंथ। ओए हेलो, की हाल चाल? हेलो जी, सत श्री अकाल। बुला, सत श्री अकाल बोलो सबको। सत श्री अकाल। हां, गुड बॉय। ओके, जानता तू उसको? अच्छा, ये जानता जी। आज 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 ये लो जी। वाओ यार, बहुत छोटी हाइट है इसकी, है ना? बहुत कॉम्पैक्ट साइज। तो ये कौन सी कंट्री से है वैसे? बिकॉज़ इंडिया में तो अभी फ्लफी फ्रेंच आई नहीं है, ये पहली फीमेल है इंडिया की फ्लफी फ्रेंच बुलडॉग की। फ्लफी फ्रेंच बुलडॉग बेसिकली सिमिलर ब्रीड है फ्रेंच बुलडॉग की, बट इन अ लॉन्ग कॉट। जैसे लॉन्ग कॉट जर्मन शेफर्ड होते हैं, लॉन्ग कॉट हस्की होते हैं, है ना, वैसे ही फ्रेंच बुलडॉग में भी एक अपर वर्जन आ गया है। तो भाई कौन सी कंट्री से एग्जैक्टली? ये चाइना की कंट्री है भाई, चाइना बहुत आगे जा रहा है। वाह, इसको देख रहा हूँ, इसके साथ खेल रहा है। कह रहे हैं ये पैरट डॉगी है, पैरट डॉगी है, क्यूट डॉगी है। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जितने और एक हस्की भी आपके पास अभी नया आया, राइट? ड्रेक आया नया, सब ड्रेक। क्या ड्रेक नाम है उसका? ले भाई, ड्रेक आ गया इंडिया में, यहाँ से इधर से चाइना से वो आ गई है बटरफ्लाई, अब कनाडा से ड्रेक आ गया है। तो अभी ड्रेक से भी मिलवाते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं पाजी के जो दूसरा सेटअप है जहाँ पर सारे डॉग्स रखे होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ पाजी वाले लोकेशन पे। ये लोकेशन बहुत खास है बिकॉज हमने बहुत सारी वीडियोज यहाँ पर शूट की है, और जितनी बार हमने यहाँ पे शूट किया कुछ नया कंटेंट शूट करने को मिला है। और ये है जेब्रा, राइट? जी जी, जेब्रा।
ये जेब्रा, ये कौन सी कंट्री से इम्पोर्ट है भाजी? ये थाईलैंड है। ये थाईलैंड इम्पोर्ट है। अगर आपने पहले इसके ब्लॉग नहीं देखे तो आप पहले जाएंगे यूट्यूब पे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसके साथ मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। और यहाँ पर अभी ना देखो, दलविंदर पाजी की जितने भी डॉग्स हैं उनकी सबसे खास बात यह है कि सभी अलग अलग ब्रीड है। ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक ब्रीड को लेके काम किया जा रहा है। सभी ब्रीडर, सभी इम्पोर्ट इंटरनेशनल क्वालिटी की डॉग जो कि चैंपियन लाइनशिप से हैं, चैंपियन ब्लड लाइन कैरी करते हैं, वो सभी के सभी इनके पास है। तो मैं अभी एक एक करके सभी ब्रीड से मिलवाता हूँ। आ जाओ। तो जैसे ये हो गया फ्रेंच बुलडॉग, जैसे अभी ने पहले आपको दिखा था फ्लफी फ्रेंच, ये है नॉर्मल फ्रेंच बुलडॉग। और इसका कलर कौन सा एग्जैक्ट भाजी? ये मरले। मरले ट्राई मरले, राइट? लैलिक मरले कलर जो है इसका है। और ये भी बहुत रेयर कलर है, वन ऑफ द रेयरेस्ट कलर में आता है, राइट? और इसकी आंखें सबसे प्यारी हैं। दराओ, एक आंख इसकी ब्लू है, एक इसकी ग्रीनिश टाइप में है ना जी। एक आंख उल्लू की, एक आंख बकरे की। अरे इसको तो मैं दो अलग अलग आंख लगाऊंगा, एक बकरे का दूसरा उल्लू का जी। हाँ देख, बकरे की आंख से उसको दिन में दिखेगा पर उल्लू की आंख से उसको रात में भी दिखेगा। दिन में भी दिखेगा, रात को भी। बटरफ्लाई वहां पे चिल मार रही है, ये इसके तो पीछे पड़ा हुआ है ये बेचारा कब से है। हाँ जी ओके। तो अभी मैं मिलवाता हूँ इनके हस्की से। तो एक हस्की जो है पहले से यहाँ पर एग्जिस्ट करता था और एक हस्की नया आया है। तो इन दोनों में से एक तो दोनों सेम लग रहे हैं जी। वैसे दोनों में से नए वाला हस्की कौन सा है, पुराना हस्की कौन सा है? ये नया है, बिल्कुल सरप्राइज है फैंस। ये ड्रेक है जी, ड्रेक है। ये ड्रेक है गाइस, साला ड्रेक नहीं हैगा। तू ड्रेक है? ये ड्रेक है। हाँ हेलो, काटा तो नहीं, कभी पता लगे ड्रेक ने पप्पी ले ली मेरी। वाह यार ये सही लग रहा है, लॉन्ग कोट है और है ना पाजी ये। एज कम्पेरेटिवली जैसे हम नॉर्मल हस्कीज देखते हैं तो वो छोटे कोट में होते हैं ना, और पतले थोड़ा सा स्लिम ट्रिम रहते हैं। ये लॉन्ग कोट जो हस्कीज होते हैं ना, बिकॉज ऑफ देयर कोट बहुत हैवी दिखते हैं दिखने में। और ये दूसरे वाला कौन सा है? इसका नाम है एले। एले ये गुस्से में लग रहा है। ब्लू आईज है इसकी, इसकी आईज देखना पास से दिखाओ। इसकी आईज बहुत ज्यादा प्यारी है, इसकी आईज ना स्नो वाइट कलर की है। मतलब एक नॉर्मल ब्लू आईज होती है डॉग्स की और एक पूरा जो सर्कल है वो वाइटिश है और सिर्फ आउटलाइन और एक इनर डॉट जो है वो ब्लू कलर में, बहुत प्यारी है। दोबारा से मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। मेरे को डर भी लग रहा है इससे, देख लो कितनी प्यारी आईज है। ओके तो उसके बाद है हमारे यहाँ पर चाओ चाओ। चाओ चाओ भी बहुत, एक पाजी के पास आपके पास टोटल कितने चाओ चाओ हैं वैसे पाजी? अभी मेरे पास चार है। चाओ चार चाचो, हमने पहले वीडियोस में भी दिखाए हैं, राइट? इसी में सिर्फ इसको सीक्रेट को लेके आए, सीक्रेट को लेके आए हैं। ये वीडियो मतलब थोड़ी सी मेरे को लंबी करनी थी, इसलिए मैंने पाजी को कहा कि अपने और डॉग्स भी दिखा दो। तो आ जाओ इधर आओ, सीक्रेट सीक्रेट। सो ये बी आई है या इम्पोर्ट है? ये इम्पोर्ट है जी। ये इम्पोर्ट है, ये भी चाइना से इम्पोर्ट है। ये भाई इनका चाइना वालों के साथ पक्का दोस्ती बहर पड़ गई है इनकी। वाओ, ये काटता तो नहीं है? बिल्कुल। अच्छा लोग बहुत बोलते हैं कि चाओ चाओ एग्रेसिव होते हैं जी, बिल्कुल नहीं। मतलब बॉम्बे जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जिन्होंने चाओ चाओ रखे हैं ना गाइस, वो सभी ये चीज बोलते हैं कि हमारा चाओ चाओ काटता है, हमारा चाओ चाओ हमें एक, क्यों बोलते हैं वो, क्या लगता है आपको? टेंपरामेंट है ना, वो ऑनर पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे रखता है। ऐसे नहीं इसको केज में डाल दिया और छोड़ दिया, हमारे फैमिली में रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। ये देखना, हां ये इसके जरा इनको लेके आओ, जाओ सीक्रेट को लेके आओ, शेयर करके आओ। चाओ देखो जाएगा उसके पास। तो ये पूरा इनके साथ खेलता है, फुल टाइम अपना स्कूल जाता है ये। एक रह गया इंग्लिश बुलडॉग, राइट? आ जाओ, उसको लास्ट टाइम भी दिखाया था बट इस बार तो वो अलग ही पूरे कोर्ट कंडीशन लेकर आया है। और ये उसका ऑनर है। हेलो, क्या आपका डॉग है? आपका गुड नेम क्या है? इधर बताओ ना, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? कौन सी सिटी में रहते हो आप? है जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। ब्रह्मपुर। अच्छा ठीक है, तो ये आपका डॉग है? क्या नेम है इसका? जैगुआर। जैगुआर इधर आओ, जैगुआर आओ। देख रहे हो उसके पीछे से बोल रहा है। हेलो, ये बहुत प्यारा है। और इसका कलर कौन सा दलविंदर पाजी एग्जैक्ट? ये भी ललिक मार लिया जी। ललिक मार लिया है ना, अभी प्रूवन हो गया इसके बच्चे। बहुत भारी है, कितना वेट होगा इसका? वेट होगा 45 kg। नहीं पाजी, लग रहा है 45 kg उठा ले, उठाने में इतना भारी तो नहीं लगता। और भाई मेरी कमर में दर्द होने लग जाएगा अगर इसको ज्यादा देर उठाया तो। ये क्या डाइट ले रहा है फिलहाल, कुछ आइडिया है आपको? अभी रॉयल कैनाइन। रॉयल कैनाइन, और उससे अलावा और क्या फूड देते हैं उसको आप?
क्या फूड देते हैं भाजी? भाजी से पूछना पड़ेगा क्या फूड देते हैं। इसको रॉयल कैन और चिकन देते हैं। चिकन, खाली चिकन या चिकन राइस? चिकन राइस देते हैं। तो इसको दो मील दे रहे हैं या कितने? बिकॉज दो मील दे रहे हैं। ये एक ऐसी ब्रीड है जिसको मैं जहाँ तक मतलब, क्योंकि ये ब्रीड कहते हैं कि खुद की ब्रीड है, इससे कहीं ब्रीड आजाद हुई है इंग्लिश मैस्टीफ, इंग्लिश बुलडॉग से। मैस्टीफ जितने हैं, जितने भी फेसेस या पग या कोई फ्रेंच, वो सभी के सभी इसी से निकले हैं, चाहे वो बॉक्सर हो चाहे कुछ भी हो, सभी इसी ब्रीड से निकाली गई ब्रीड्स हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जेनेटिकली बहुत ज़्यादा इश्यूज भी कभी कभी लोगों को फेस करने पड़ते हैं। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। वो पेडिग्री पे डिपेंड करता है। हाँ जी, कि पेरेंट्स कैसे थे उस इसके पेरेंट्स सपोर्ट है ना, डायरेक्ट सपोर्ट है। उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है, ये चीज़ तो मैं माननी पड़ेगी। और जिस हिसाब से इसकी अभी कॉर्ड कंडीशन है, हाँ हाँ, ड्रिल जैसा लग रहा है बिल्कुल। हाँ, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तेरे को? हेलो सोपाजी, अभी मुझे एक चीज़ और बताओ कि अभी जैसे इंडिया में इस सेम ब्रीड की और कोई डॉग मेल नहीं है, तो जब अगर इनको इन फ्यूचर आप क्रॉसिंग का टाइम आता है, जब आप एक टाइम के बाद आप करवाते हो स्पेसिफिकली, तब आप क्या करोगे, ये मेल और मंगवाओगे या कैसे? क्या कोशिश यही रहेगी? अच्छा, कि एक्सोटिक में एक फ्लफी मेल लाया जाए, बच्चे लेंगे। बाकी गाइस मैं एक चीज़ बताऊं, इसके अंदर मेरे को एक चीज़ खास लगी, अभी मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला, बट जो चीज़ मैंने अब तक नोटिस की है, बिकॉज मैं भी कई सालों से डॉग रख रहा हूँ, ये बहुत काम है कंपेरेटिवली टू दूसरा नॉर्मल जो फ्रेंच बुलडॉग होते हैं, बहुत काम है। साथ ही साथ इनकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, ये बात हमें माननी पड़ेगी। कोट की रहेगी थोड़ी, कोट की मेंटेनेंस बहुत, पर कोट बहुत ज्यादा सिल्की है। क्वालिटी इसमें उन डॉगों में से ज्यादा इसमें मुझे नजर आई है, कॉम्पैक्ट साइज है, कान छोटे हैं, जो भी फ्रेंच बुलडॉग में रहता है वो इसमें ज्यादा लगा मुझे। छोटी साइज भी छोटा है ना, तो इजी बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर जैसे फ्लैट, जैसे जो फ्लैट्स में जहाँ पे बहुत ज्यादा सिटीज में फ्लैट्स है, वहाँ पे रखने लायक ब्रीड है ना, कि आपको स्पेस भी कम चाहिए, मेंटेनेंस बहुत कम रहती है इनकी, है ना, डॉग फीड से लेके हर एक चीज़ बहुत कम खाते हैं। देखो अब ये नीचे, अब इसकी हाइट कितनी होगी मेरे हिसाब से? देखो पूरा एक हाथ जितनी तो इसकी हाइट है सर, ऊपर से भी इतनी है, वैसे भी इतनी है। हाँ हाँ, तो गाइज अगर आपको फ्लफी फ्रेंड से रिगार्डिंग है, किसी भी डॉग से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी चाहिए, तो पाजी का इंस्टाग्राम और बाकी बहुत सारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं सभी के सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी बाय बाय कर दो। और ये इंडिया की पहली फ्लफी फ्रेंच है, तो ये चीज़ मेरे को दिखानी थी, स्पेशली मैं पाजी के पीछे लगा हुआ था बहुत टाइम से कि पाजी इसकी वीडियो मुझे ज़रूर बनानी है, बिकॉज अब तक किसी ने नहीं बनाई, तो हमने आज वो चीज़ पूरी करी है एंड बहुत अच्छा लगा इसमें। बाय।